हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्यू टू नेटवर्क इशू हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पाए थे, इसकी इसीलिए इसका पार्ट टू मैं यहाँ पर आपको अपलोड कर देती हूँ, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। ये सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, जो न केवल आपको सीटेट, रीट, आपके एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीईटी, पीजीटी सारे ही जो एग्जाम्स हैं इनमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, जो हम फर्स्ट टू फाइव क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, एक बार गो थ्रू हो लेते हैं इनके साथ में, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को बताइए, मतलब इनमें से कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है। विकास से आपका स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर का बोध होता है, उसका परिवर्तन होता है, या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विकास केवल परिपक्व अवस्था तक होता है, विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, विकास में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर टू में आपसे, कि आपकी जो गोल्डन स्टेज है वो किसे कहा जाता है। एडोलेसेंस को, एडल्टहुड को, लेट चाइल्डहुड को, या प्यूबर्टी को। देखिए जो आंसर्स आपके दे रखे हैं बुक में वो उनमें कई क्वेश्चंस गलत है, तो इसलिए उस पर उसको फॉलो ना कीजिएगा, आपको जो आंसर सही लगता है वो बताइए। बाकी जो आपके ये पर्टिकुलर फाइव क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, चाइल्डहुड कब से शुरू होता है, 5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, या फिर 3 वर्ष से, किस एज ग्रुप से को हम अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टार्टिंग एज कहते हैं, 5 ईयर्स पर, 2 ईयर्स पर, 4 पर, या 3 ईयर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपका, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत विकास और वृद्धि को एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है, ये कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, किशोरावस्था को समस्याओं की अवस्था या फिर प्रॉब्लमेटिक एज भी कहा जाता है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 5 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनके आंसर नहीं बताए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिन्हें नहीं मालूम है वो पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका आंसर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, विकास की अवस्थाओं में होने वाला जो क्रमिक, जो आपका सीक्वेंस में जो आपका चेंजेस आते हैं वो एक ही गति में विराम चलते हैं, रचनात्मक प्रकार से ही संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अलग न होकर जुड़े हुए होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से सही आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। देखिए गति में अविराम चलते रहते हैं, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि अविराम चलता रहता हो, बल्कि आपका कहीं पर स्लो, कहीं पर आप, कहीं पर आपका स्टैग्नेशन का पीरियड भी आता है, रचनात्मक हिस्से ही संबंधित है। देखिए अगर ही ना होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता था, यहाँ पर इन्होंने ही ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो विकास है वो न केवल कंस्ट्रक्टिव बल्कि आपका डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है डेवलपमेंट में, और सॉरी ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ को भी डेवलपमेंट साथ में लेकर चलता है। जो आपका डेवलपमेंट है, हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है कंटेंट में, जो विकास है वो उसमें आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर वर्क करता है, और जो आपका ग्रोथ है वो केवल क्वांटिटी में चेंजेस लाती है। सी ऑप्शन है, एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े हुए होते हैं, तो विकास वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब बच्चा रेंगना सीखता है तो उसके बाद वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, मतलब ये जो एक सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर वो सीखता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, इन्फेंसी में शिशु निम्न में से क्या सीखता है, ब्रीदिंग सीखता है, प्लेइंग सीखता है, वॉकिंग सीखता है, या लाफिंग सीखता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, शैशवावस्था में, इन्फेंसी में बच्चा क्या करना सीखता है। देखिए जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड होता है, यानी कि जब आप देखेंगे इन्फेंसी पीरियड है आपका एक जन्म से लेके 2 वर्ष तक का पीरियड होता है, तो इस स्टेज में बच्चा आपका लाफिंग और जो आपकी ब्रीदिंग है ये बाय बर्थ होती है, और द ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारा, वॉकिंग और प्लेइंग ये 2 ऑप्शंस होते हैं करेक्ट। तो प्ले जो स्टेज है वो आपकी चाइल्डहुड स्टेज होती है, जो आपकी गैंग स्टेज, जो प्री आपकी जितना भी प्ले वाली स्टेज है वो आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड होती है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वॉकिंग, तो 1 वर्ष की आयु से बच्चा चलना सीखने लगता है, प्रारंभ कर देता है, और 2 वर्ष तक वो भागना, कूदना,
उछलना सब शुरू कर देता है, तो आपका करेक्ट आंसर 7 का होगा, ऑप्शन नंबर बी। और उत्तर में आपका आंसर दिया हुआ है सी, प्लेइंग, जो कि गलत है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपके जो आंसर्स यहाँ दे रखे हैं बुक में उनको फॉलो अप ना कीजिएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है सीखा हुआ है उसको देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्रुद्ध होने यानी कि गुस्सा होने तथा अधिक दबाव की अवधि के रूप में निम्न में से किस विकास अवस्था का वर्णन किया जाता है, मिडिल एज में, एडोलेसेंस में, या फिर ओल्ड एज में, या फिर वयस्कता में। वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा प्रेशर फील करते हैं जो बच्चे होते हैं, तो वो आपकी करेक्ट स्टेज कौन सी होती है, एडोलेसेंट स्टेज, किशोरावस्था होती है, जिसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का पीरियड कहा जाता है। ये स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का पीरियड किसने कहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिन्हें नहीं मालूम है वो पूछ लेंगे और जिन्हें मालूम है वो करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे, करेक्ट आंसर को मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फर्टिलाइज्ड ओवम को कहते हैं, फर्टिलाइज जो गर्भित रजकण होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, जायगोट कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, या फिर जीन्स कहते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है जहां पर ओवम और स्पर्म मिलकर एक न्यू सेल डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम जायगोट या फिर युग्मनज कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बच्चा किस यौन का होगा, यह तथ्य निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है, हेरिडिटी के थ्रू, जायगोट के थ्रू, ओवम के थ्रू, या फिर मैच्योरेशन के थ्रू, परिपक्वता के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो आपका वॉर्म होता है, जो गर्भ होता है, उसमें बच्चा किस सेक्स का होगा, इस तथ्य निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, हेरिडिटी, जायगोट, ओवम और मैच्योरेशन, चार आपके पास ऑप्शन है। देखिए, ओवम किससे होता नहीं है डिटरमाइंड, क्योंकि ओवम जो है उसके पास एक्स एक्स ही आपके जो एक्स एक्स ही होते हैं, तो जिसके कारण जो फीमेल जो है फीमेल को ही रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, तो ओवम होगा नहीं, मैच्योरेशन होगा नहीं, परिपक्वता से इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जायगोट जो है वो आपका तब होता है जब स्पर्म और आपके ओवम मिल जाते हैं, तो इसमें आपका इस टाइम पर आपका जो सेक्स है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है। लास्ट आपका ऑप्शन बचता है हेरिडिटी, जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हेरिडिटी के थ्रू भी नहीं होता है, ये होता है स्पर्म के ऊपर, ये सारी चीजें जो है वो स्पर्म पर डिपेंड करती है। तो जिसका ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ है, ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट होगा आंसर, स्पर्म, जो स्पर्म है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स है या एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, इस पर डिपेंड करेगा कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो सेक्स उसका क्या होगा, मेल या फीमेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्पर्म होगा, बाकी आपके ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही सीधा और डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो 206 होती है। 350 कब होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि 195 और 182 तो कभी होती ही नहीं है, 350 किस अवस्था में होती है वो बताएंगे, और इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑसिफिकेशन, बोन डेवलपमेंट, बोन ग्रोथ, या फिर कैल्सिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम ये प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आंसर करेक्ट उस पर नहीं जाइएगा, आपको खुद से बताना है अपनी समस्या के करेक्ट आंसर 12th का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की औसत लंबाई क्या होगी, 28 से 30 इंच, 32 से 34 इंच, आपकी 57 to 58 inches, से जन्म की अपेक्षा 2 गुनी हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है ये, जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, तब हमने ये देखा था कि जन्म के 5 वर्ष के बाद जो बच्चे है उसकी औसत लंबाई ही लगभग दोगुनी हो जाती है जन्म की अपेक्षा, जो बर्थ में जैसे कि उसकी जो भी लंबाई रही है उसकी जस्ट डबल हो जाती है, तो द ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका शिशु, नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नवजात शिशु के सिर उसकी पूरी जो लंबाई है उसके प्रतिशत का कितना होगा, 10%,
आपका 25%, 32% या 16% नवजात शिशु का पूछा गया है। एडल्ट का तो 12% होता है हमको मालूम है, नवजात का कितना होता है? क्योंकि आपको मालूम है कि एक न्यू बॉर्न बेबी का जो सर है वो धड़ की भी अपेक्षा बड़ा होता है, क्योंकि आपका सेफेलोकैडुल डेवलपमेंट होता है। तो आप करेक्ट आंसर बताएंगे कि कितना परसेंट होता है, 14th का करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए ये टाइम जो है वो मेरे आंसर बताने का नहीं है बल्कि आपके का है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम आपका पीक है और यहाँ पर आपको सिर्फ रिविजन देखना है। बालक में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। पहले आपके आते हैं कौन से? अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत, दूसरे आपके निचोड़ टीथ आते हैं जो आपके अस्थायी दांत होते हैं उनके गिरने के बाद आते हैं। तो टोटल जो आपके दांत होते हैं बाल्यावस्था में, जो आपके प्री मेच्योर दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, वो कितने होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताएंगे कि आपके जो सेकेंडरी टीथ होते हैं, जो आपके एडल्ट टीथ होते हैं, वो संख्या में कितने होते हैं? 15 का करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शारीरिक विवृद्धि हमेशा नियमित रूप से नहीं चलती है, सत्य असत्य? शारीरिक विवृद्धि हमेशा नियमित रूप से नहीं चलती। देखिए आप देखेंगे कि आपके जो इन्फेंसी पीरियड होता है वहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, आपकी चाइल्डहुड पर वो स्लो डाउन हो जाती है, एडोलेसेंट में फिर से बहुत तेजी से होती है, एडल्टहुड में स्लो डाउन, और आपकी ओल्ड एज में आपके लिए और डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि शारीरिक विवृद्धि हमेशा नियमित रूप से नहीं चलती है, ये बढ़ती और उतरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17, किस आयु तक शरीर के विभिन्न अंग का अनुपात वयस्क व्यक्ति की भांति हो जाता है? 15 वर्ष तक, 17 वर्ष तक, 20 वर्ष तक या फिर 14 वर्ष तक? तो देखिए जो आपकी एडोलेसेंट स्टेज होती है और जो आपकी एडल्टहुड स्टेज होती है, वहां तक आते आते आपके इन दोनों का जो टाइम पीरियड होता है उस स्टेज में आते आते जो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका अनुपात जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो जो आपकी एज करेक्ट होगी वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 वर्ष तक। बच्चों की आयु सेक्स तथा शारीरिक बनावट पर आधारित सामान्य भार कितने प्रतिशत ज्यादा भार को मोटापा या फिर ओबेसिटी कहते हैं? तो आपने जो बीएमआई देखा होगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, तो वो इसी के फॉर्म में पता चलता है, इसी के द्वारा ये पता चलता है। तो करेक्ट आंसर होगा 20%। जब ये 20% से ज्यादा हो जाती है तो आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, ओबीज की कैटेगरीज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जो बच्चे 5 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं उनमें मोटे होने की संभावना कितना गुना बढ़ जाती है? तो इसके करेक्ट आंसर है कि 8 गुना बढ़ जाती है। जो लोग 5 आवर से ज्यादा स्क्रीन के सामने रहते हैं, वो सिर्फ मोबाइल हो सकता है, टीवी नहीं, मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी स्क्रीन जहां पर आप बॉडी का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा हिल डोल नहीं रहे हैं, तो वो आपको ओबीज कर सकता है। मायोपिया बाल्यावस्था की एक सामान्य लक्षण है, निम्न में से किससे संबंधित है? मायोपिया, करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको रिसेंटली ये पढ़ाया है कि मायोपिया क्या होता है, किससे संबंधित है? यकृत से है, कान से है, फेफड़े से है, आंख से है? करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन है। फिर है आपका सेफेलोकैडुलर सीक्वेंस। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है आपका रिसेंटली टीजीटी पेपर में भी आया था, सेफेलोकैडुलर का जो सीक्वेंस है वो किस स्टेज में होता है? सबसे पहले कहाँ का विकास होगा? मुख का, गर्दन का, धड़ का, फिर सिर का, या फिर सिर का, गर्दन का, मुख का, धड़ का? फिर ऑप्शन सी दे रखा है आपका, सिर का, मुख का, गर्दन का, फिर धड़ का। उसके बाद है धड़ का, मुख का, और गर्दन, सिर का और फिर गर्दन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, जिन लोगों को आता है वो उनका भी आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो विकास होता है वो किसका होता है? सिर का होता है, यानी कि हमारे हमारी बॉडी का अपर शुरुआत से पहले कैडुल आपका हेड टू टो जाता है, सर से आपका नीचे पैरों की तरफ जाता है। तो सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर उसके बाद आपके मुख का विकास होगा, बच्चा बोलना, जो आपका गर्दन घुमाने का विकास होता है, सॉरी बच्चा अपने मूवमेंट करता है गर्दन को इधर से उधर हिलाना डुलाना, फिर वर्ड बोलना सीखता है, फिर उसके बाद आपका आता है धड़। तो इसके बाद आपकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आपका हेड टू टो में आपका डेवलपमेंट होता है। ये द ऑप्शन नहीं होगा जहां पर आपका धड़ का, फिर मुख का, फिर सिर गर्दन का। अगर आप छोटे बच्चे को भी देखेंगे, अगर आप एक उसके पास स्नैप करते हैं, क्लैप करते हैं, तो वो इमिडिएटली अपनी गर्दन को यूं घुमाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी का विकास हो रहा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 22, अर्ली चाइल्डहुड का सबसे अधिक फाइन या फिर या परिष्कृत क्रियात्मक कौशल निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बटन बंद करना व खोलना अर्ली चाइल्डहुड में, जूते के फीते बांधना, कागज काटना या फिर ट्राइसिकल चलाना। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में सबसे ज्यादा जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं हमारी, उनका सबसे अच्छा काम कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जूते के फीते बांधना, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज वो होती है जहाँ बच्चा अपना मॉन्टेसरी वगैरह जाना शुरू कर देता है, स्कूलिंग शुरू हो जाती है, तो बच्चे स्कूल में शूज वगैरह पहनते हैं, तो ये जो काम है इनको करना बच्चा फाइन मोटर स्किल्स से करना शुरू कर देता है। बटन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क हो जाता है, कागज काटना, सीजर्स और ट्राइस्किल, ये जो चीजें हैं वो आपकी दूसरी स्टेजेस से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, बचपन अवस्था में बिना सहारे अकेले खड़े रहने का क्रियात्मक कौशल शिशु में किस औसत आयु में उत्पन्न होता है? तो किस स्टेज में बच्चा अपने आप खड़ा होना सीख जाता है? तो वो आपकी आती है जो आपके 10 टू 11 मंथ की जो स्टेज होती है, वहां पर बच्चा बिना सहारे लिए, बिना किसी की हेल्प के अपने आप खड़ा होना सीख जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक विकास यानी कि आपका जो मोटर डेवलपमेंट है, कि गतिक तंत्र सिद्धांत में क्रियात्मक विकास का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता को माना गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सत्य असत्य, यानी कि आपकी जो क्रियात्मक विकास होता है इसमें जो गतिकी मतलब आपका मोटर का जो मोटर सिस्टम जो है उसके सिद्धांत में क्रियात्मक डेवलपमेंट का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता को माना गया है, ये बात सत्य है या फिर असत्य है? तो करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ हैंडेडनेस यानी कि हाथ के प्रयोग की समस्या का क्या अर्थ है? उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग करना, सीधे हाथ का अधिक प्रयोग करना, दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करना, दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जहाँ पर एक किसी एक जो आपका हैंड है उस पर जो बच्चा है वो डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं करता है, हाथ के प्रयोग की समस्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है, सामाजिक विकास के पठार पाया जाता है, जन्म के समय बच्चे में उदासीन होते हैं और सामाजिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जन्म के समय जो शिशु होता है वो सामाजिक होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चा देखता है, मुस्कुराता है, बोलता है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स नहीं होगा। बच्चा उदासीन बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं होता है, बच्चा रिएक्ट करता है, हंसता है, मुस्कुराता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, हमने प्रीवियस वीडियोज में लेक्चर्स में देखा हुआ है कि जन्म से ही सामाजिकता बच्चे के अंतर्गत पाई जाती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना, सामाजिक प्रतिगमन, प्रभुत्वशाली व्यवहार व्यवहार या फिर सामाजिक सहभागिता। तो सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत जो बच्चा है वो आपके सामाजिक प्रत्याशाओं यानी कि सोशली जो उसके जो डेवलपमेंटल टास्क मिलते हैं सोशली या फिर जो उससे एक्सपेक्टेड है उन चीजों पर फोकस करता है या फिर उन चीजों की अनुसार कार्य करता है। सोशल रिग्रेशन नहीं होता बच्चे में, वो नहीं सीखता है ये, ना ही आपका अथॉरिटेरियन बिहेवियर सीखता है जो कि बहुत ही नेगेटिव होता है, ये तो सीखना ही नहीं चाहिए। और सोशल पार्टिसिपेशन भी हालांकि बच्चा सीखता है लेकिन वो आपका शुरुआत से बच्चे के अंदर होता है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सुझाव ग्रहणशीलता निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? कब बच्चा ज्यादा आपको सुझाव देता है, कब ग्रहण ज्यादा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि या फिर किशोरावस्था। तो आपकी पूरे वाला बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ एक्सेप्ट करता है। अगर आपको वो थ्योरी याद हो जहाँ पर आपके रूल्स को फॉलो किया जा रहा था, हमने जो भी रिसेंटली थियोरीज पढ़ी हैं उनमें आपने देखा होगा कि आपको जो आपकी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेजेस हैं जिसमें, उस थ्योरी का पहले तो आप नाम बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। क्योंकि सुझाव जो है वो वहां पर पूरी अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सुझाव नहीं देता है लेकिन आपकी सिर्फ बातों को मानता रहता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा सुझाव भी देता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी प्रेजेंट करता है और आपकी बातों को भी समझता है। वयसंधि और किशोरावस्था जो है वो थोड़ी रिग्रेशन की स्टेज आ जाती है जहां पर आपकी जो बातें हैं उनको सुनना समझना बच्चे कम पसंद करते हैं और अपनी बातों को मनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था में बालकों में समाज विरोधी व्यवहार चरम पर होता है, विपरीत सुझाव ग्रहणशील यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो
सजेस्टेबिलिटी पाई जाती है, सामाजिक विभेदीकरण होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, सामाजिक व्यवहार प्रतिमान लगभग वयस्क व्यक्तियों के समान होते हैं। तो देखिए जो किशोरावस्था है इसमें आपका फर्स्ट कैरेक्टर भी होती है, समाज विरोधी व्यवहार भी चरम पर होता है, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि हम एडल्ट हैं, हम बड़े हो चुके हैं, हमें सब मालूम है, हमें क्या कैसे करना है। अगर उनको कुछ सजेशंस दिए जाए तो वो उनके अगेंस्ट बात करते हैं, उनको पसंद नहीं है। अगर उनके फ्रेंड्स के लिए कुछ बोल दिया तो बच्चे नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता होती है, मतलब अगर आप उनको कुछ कोई सुझाव देंगे तो बच्चा जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लगता है कि आई एम द सुपीरियर, आई नो एवरीथिंग एंड आई विल टेक माई डिसीजन माई ओन। ये आपका बी ऑप्शन में है, सी ये भी आपका जो है बाल्यावस्था में पाया, किशोरावस्था में बालकों में पाया जाता है। सी है आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, हाइट वेट लुक्स आपके जेंडर आपके इन सभी चीजों के बेसिस पर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी देखने को मिलता है। सामाजिक व्यवहार प्रतिमान लगभग वयस्क के समान होते हैं, बच्चे बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर शो करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें भी उन्हीं की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये आपका जो चारों ही ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे, यहाँ पर द नहीं बल्कि आपके सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बालक की शारीरिक बनावट बालक के ये सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, ये सत्य है या असत्य? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आगे के क्वेश्चंस की वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, आगे इस सीरीज के साथ में कनेक्टेड रहिए, जिससे कि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। 31 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।